तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और राहु की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये गुरु चांडाल दोष आपके विभिन्न भावों में बनेगा तो किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे सप्तम भाव के बारे में। अगर सप्तम भाव में इन दोनों ग्रहों की युति है आपके चार्ट में तो आप इसको कैसे देख सकते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स आपको इस युति में देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम वैसे अगर देखें तो यहाँ राहु काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करेंगे क्योंकि शुक्र का घर है और तुला राशि है। तुला राशि में अगर देखा जाए तो राहु काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और यहाँ पे बृहस्पति का आना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये काल पुरुष के हिसाब से भी है और सातवां भाव होने की वजह से यहाँ बृहस्पति बेटर फील नहीं करेंगे। इस केस में ज़्यादातर या तो आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब रहेगी, आपके पार्टनर को कोई ऐसा हेल्थ इश्यू होगा जो आसानी से डायग्नोज नहीं किया जा सकता, जो आसानी से ठीक नहीं होता, कोई बड़ा ट्रीटमेंट उनको लेना पड़ सकता है, बार बार उनके हेल्थ को लेकर आपको कुछ कंसर्न रह सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर केस में आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी रहेगा। हावी वो धन के मामले में या कैरियर के मामले में या किसी भी अन्य मामले में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर का जो इंटरफेयर है वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस वजह से आपको पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ये कंजक्शन ये भी दिखाता है कि आपका विवाह के पश्चात कहीं ना कहीं फॉरेन से कोई ना कोई लिंक बन सकता है, या तो आप विदेश में सेटल होंगे विवाह होने के पश्चात, या फिर आप अगर विदेश में सेटल नहीं होंगे तो अपने ही देश में किसी भी अदर स्टेट में जाके आप सेटल हो सकते हैं। बट ज़्यादातर केस में ये कंजक्शन आपको दूर सेटल करेगा अपने घर से। इसके अलावा इस कंजक्शन की वजह से आपका जो कैरियर है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। विवाह के पश्चात ऐसा हो सकता है कि आपके कैरियर में कोई बहुत बड़ा सडन चेंज आया हो। यहाँ पे अब सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपके लगन में केतु का स्थित होना है। केतु के लगन में स्थित होते हुए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, आप अपने आप को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, जल्दबाजी में आके कुछ बहुत सारे गलत फैसले भी आप लेंगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति के बारे में अगर हम बात करें तो बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं, तो यहाँ डायरेक्टली ये जो कंजक्शन है उसकी वजह से आपका 7वां भाव 12वें भाव से कनेक्ट होगा। तो ऐसे में आपको विदेश में पूर्ण रूप से सेटल होने में मदद ज़रूर मिल सकती है, आपको योगा मेडिटेशन आध्यात्म इन सब क्षेत्रों में काम करने में मदद मिल सकती है। आपका शुक्र आपके चार्ट में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ही अच्छे से यहाँ राहु परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा आपको अपने चार्ट में शनि की स्थिति को भी देख लेना चाहिए। ज़्यादातर केस में ऐसी स्थिति में आपका जीवन साथी आपको धोखा देगा, इवन वो आपके साथ काफ़ी बड़ी चीटिंग करेगा और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में वो आपको छोड़ेगा। इसी प्रकार से आपका जीवन साथी हो सकता है आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डैमेज करे, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करे। हालांकि आपका जीवन साथी काफ़ी अच्छा होगा, पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चालाक होगा, चतुर होगा और आप उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा देरी करेंगे, इवन आप उसको पूर्ण रूप से कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ बृहस्पति के हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 11वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आपके जो धन संबंधी मैटर्स हैं उनमें आपके जीवन साथी का इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि आपको कुछ हद तक कोई बिजनेस वगैरह में सफलता ज़रूर मिल सकती है इस कंजक्शन के होते हुए, बट आपको पार्टनरशिप को हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अलावा आपका जो जीवन साथी है उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, उसकी वजह से आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है आपकी लाइफ का वो प्रभावित हो सकता है, आपकी मेंटलिटी पर उसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा एक समय पश्चात विवाह होने के पश्चात या तो आपका डिवोर्स होगा या फिर आपका सेपरेशन होगा, ऐसी स्थितियाँ ये कंजक्शन क्रिएट कर देता है। बट अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी स्पेकुलेटिव बना सकता है। राहु और बृहस्पति साथ हैं तो ये थोड़ा सा आपको आध्यात्म के साथ साथ में बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ की तरफ लेकर जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका जीवन साथी होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वाला होगा, बहुत बड़ी बड़ी फीलिंग्स और बहुत बड़े उसके टारगेट हो सकते हैं अपने जीवन में। इसके अलावा वो लग्जरी की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ रह सकता है जब आपका विवाह हुआ उस समय। बृहस्पति यहाँ पे अब कनेक्ट कर रहे हैं आपके लगन को, 7वें भाव को और आपके 11वें भाव को। इससे आपकी पब्लिक इमेज भी अब बहुत हद तक डिसाइड होगी। इस वजह से आपके पब्लिक जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर भी आपकी मैरिज और आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसका काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। तो अब आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कि आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं,
आप किसके साथ कैसा कन्वर्सेशन करते हैं, आप किसको कितना सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर केस में लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे, आपको कभी भी लोग पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करेंगे या आपका साथ नहीं देंगे। बृहस्पति का 11वें भाव को देखना कुछ हद तक आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेटर एज में लेकर आ सकता है, बट यहाँ पर किसी ना किसी और व्यक्ति का इंटरफेयर आपके फाइनेंस वगैरह में रहेगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। फिर बृहस्पति और राहु दोनों की दृष्टि आपके लगन पर रहती है, लगन पर रहने से आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर ऐसा राहु और बृहस्पति दिखाएगा। हालांकि इस कंजक्शन की वजह से आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में मदद मिल सकती है। यहाँ पर अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो बृहस्पति है क्या वो वक्री हो गए हैं, और अगर बृहस्पति वक्री हो गए तो यहाँ राहु का पूर्ण रूप से प्रभाव बृहस्पति पर बढ़ जाएगा, जिस वजह से आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग नहीं कर सकेंगे, आप सही समय पर जीवन में सही डिसीजन नहीं ले सकेंगे, और इसकी वजह से आपको काफ़ी बड़ा नुकसान भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप किसी भी दूसरे व्यक्ति की बातों में बहुत जल्दी आ जाएंगे और अपना नुकसान कर बैठेंगे। यहाँ इन दोनों की स्थिति की वजह से आपको काफ़ी बार डिसीजन लेने में परेशानी होगी, आपके लिए सही क्या है गलत क्या है ये निर्धारित करने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो पे आपको बहुत ही सोच समझकर सब कुछ करना चाहिए, इवन आपको अपना पार्टनर चूज करते समय भी काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का ऑफर देता हो या आपको किसी भी प्रकार का लालच देता हो, ऐसे मामलों में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। अब इन दोनों की सम्मिलित रूप से दृष्टि पड़ेगी आपके थर्ड हाउस पर, हालांकि थर्ड हाउस पर जो इनकी दृष्टि पड़ रही है यहाँ ये बहुत अच्छा काम करेंगे दोनों ही ग्रह मिलकर, तो आपके कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ये मजबूत करेंगे, आपके स्किल्स को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आपके लगन में केतु का होना आपके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा, इस वजह से आप प्रॉपरली अपने स्किल्स को यूज़ नहीं कर सकेंगे, इवन आप अपने भाई बहनों पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ भी अपनी स्थिति अच्छी नहीं देख सकेंगे उनके साथ रिश्तों में। तो यहाँ काफ़ी सारे उतार चढ़ाव, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आपके लिए अगर यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं हो, सामान्य स्थिति में हो, तो ये कंजक्शन आपके फेवर में काम करेगा कुछ हद तक, बट फिर भी आपको अपने पब्लिक रिलेशंस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप अगर फॉरेन से जुड़ चुके हैं तो फॉरेन से जुड़े मामलों पर आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये कोशिश करें कि आप अपने जीवन साथी पर कम से कम डिपेंडेंट रहें, आप ज़्यादातर सेल्फ डिपेंड रहें तो बेटर रहेगा। इसके अलावा आप अपने धन संबंधी मामले और अपने करियर संबंधी मामलों में कोई ठोस निर्णय लें हमेशा हमेशा के लिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना ये कंजक्शन की वजह से आप हमेशा दूसरों की बातों में आएंगे और दूसरे लोग आपका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएंगे। तो ये कंजक्शन आपके रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ के हिसाब से उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पर अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो कैरियर में स्टेबिलिटी है वो शुरुआत में बहुत कम देखने को मिले, या आपको इधर उधर के बहुत सारे टूर और ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है, तो इस वजह से आपका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा। अगर इस कंजक्शन से आपका चंद्रमा प्रभावित हो जाता है तो ऐसे में आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आएंगे, आप दूसरों को समझ भी नहीं सकेंगे, ये आपको सबसे बड़ी इश्यू आने वाली है ये कंजक्शन के होते हुए।